तो सेव पूरी आपको कैसा लगा? स्पाइसी, यहाँ पे रेगुलर आते हैं? Yeah. तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा फूड आपको अच्छा लगा? सेव पूरी एंड वड़ा पाव. बहुत टेस्टी है एक्चुअली. आई विल सजेस्ट एवरीवन टू लाइक विजिट करें यहाँ पे, विजिट करके टेस्ट करके खाएं. एक्चुअली दही पूरी बहुत अच्छा है. वेलकम बैक, रमेश भाई जोरदार में आप सभी का स्वागत है. फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ. तो आज मैं आया हूँ फूड का वीडियो लेके, क्योंकि मैं आज आया हूँ ना द बिग मिश्रा पेड़ा में. इससे पहले मैंने पंजिम में एक वीडियो बनाया था. ये परवरिम में यानी गोवा में नया ब्रांच ओपन हुआ है, तो मुझे रिक्वेस्टिंग वीडियो आई थी, तो इसके लिए स्पेशली मैं यहाँ पर आया हूँ. तो यहाँ पर खाने का क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखाऊँगा. और यहाँ पर इनकी स्पेशलिटी जो है ना वो मिठाई है, तो आज मिठाई भी टेस्ट करके बताऊंगा इनकी मिठाई में कितना है दम, टेस्ट करके बताऊंगा. वीडियो पे बने रहिए. भैया आपका नाम बताइए. विजय चौहान. ये चौहान, तो अपना ये शॉप जो है तो कितने बजे स्टार्ट होता है? सुबह 8:30 बजे शॉप खुलता है. और बंद कितने बजे? क्लोजिंग है 10 बजे. 10 बजे. अभी अभी भैया ने बताया है कि आप मिस्टर गोवा हैं. ये तो पहले तो बहुत प्राउड की बात है मुझे, आप मिलने हैं ऐसे, आप जल्दी मिलते नहीं कहीं पे. तो बताइए कि आपको ये शॉप में यूनिक खाना क्या अच्छा लगता है आपको? यूजुअली हम लोग देखा जाए तो मिश्रा पेड़ा इज फेमस फॉर देयर पेड़ास. तो हम लोग दे हैव गॉट द फ्रेंचाइजी ऑल ओवर द गोवा. सो मापसा में है, पांचिम में है, कोलम में है. So the good thing about them is यहाँ पे पेड़ा भी मिलता है, you get this stuff. जहाँ पे कचौरी मिलते हैं, यहाँ पे समोसा मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, चाय भी मिलता है. सो आई यूजली प्रीफर कमिंग ओवर हियर. आई पिक अप द स्टफ, मैं यहाँ से लेके जाता हूँ मेरे फ्रेंड्स के लिए. मैं आता हूँ यहाँ पे व्हेन देयर इज ऑफ सीजन, जब मेरे लिए होता है कॉम्पिटिशन ब्रेक पे नहीं आता हूँ. आई कम, मैं लेके जाता हूँ फ्रेंड्स के लिए. हाँ जी, मतलब बहुत अच्छा स्टाफ मिलता है यहाँ पे. वी ऑल लव ईटिंग ओवर हियर. ऑल इन वन है फूड एक्चुअली. मैं चाय पूरी हूँ. अच्छा, मुझे एक्चुअली खाना बहुत पसंद है. लेकिन ऑफ सीजन पे मेरा कट ऑफ रहता है. लेकिन जब मैं कॉम्पिटिशन लेवल पे नहीं जाता हूँ तो आई ऑलवेज कम ओवर हियर. आई लव ईटिंग. और द मेन थिंग जो ओनर है यहाँ के, वो मतलब ही इज़ वेरी फ्रेंडली, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. मतलब उनको आपको लगेगा नहीं कि वो ऑनर है यहाँ. ऑलवेज जब काम होता है मतलब उनका बहुत फ्रेंडली नेचर रहता है, बहुत फ्रेंडली नेचर रहता है. सो दैट इज़ मतलब ये होना चाहिए. जब कस्टमर आते हैं तो वो एक फ्रेंडली नेचर रहना चाहिए, एक एटमोसफेयर बन जाता है. सो वेन एवर आई कम इन, वो मुझे मतलब देख के जानते हैं. तो उनको कभी पता चला कि मैं मिस्टर गोवा. थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. तो अपनी सबसे पहली शॉप कहाँ से स्टार्ट हुई बिग मिश्रा की? ये कर्नाटक से स्टार्ट हुआ सर, धारवाड. कर्नाटक से मेन ब्रांच पहला उधर ही है. तो सबसे पहले आप पहले क्या बनाते थे? पहला हमारा फेमस पड़ा ये धारवाड मिश्रा पेड़ा. ये वाला पेड़ा ये हमारा फेमस पड़ा है. तो आपने स्टार्टिंग यहाँ से? स्टार्टिंग ये है. अच्छा, ये स्पेशल घी मैसूर पाक है, प्योर देसी घी में बनता है. और ये धारवाड पेड़ा है हमारा फेमस पेड़ा. और जलेबी मिलेगा, घी मोतीचूर लड्डू है, घी घेवर है. ये क्या है? ये गुजराती आइटम है. गुजराती आइटम है, घी घेवर है. अच्छा, गर्म दूध में डाल के खाने का अच्छा लगता है. अच्छा, और ये चीज में आ रहा हूँ ये केक जैसा, ये क्या? ये अजमेरी कलाकंद है सर. अजमेरी, अजमेरी कलाकंद है. ये भी बढ़िया है. अच्छा, अजमेरी कलाकंद सेम मिल्क जैसा लगता है. अच्छा, खाने में. और ये क्या चीज़ है? ये सुत्ता फेनी है, इसको भी सेम प्रोसीजर है, गर्म दूध में डाल के खाने का. इसको भी मिठाई के अलावा हमारे पास और अचार मिलता है, रोटियाँ मिलता है. ये भी सब अच्छा है. निकल के देखिए, ये रोटी है. ये भी अच्छा है. ये किस चीज़ की रोटी है? ये जवार का रोटी है. जवार का रोटी है, जवार का है. ये वाला बाजरा का है. ये बाजरा का, बाजरा का है. और अचार मिलेगा, तो अलग अलग फ्लेवर है. लेमन का है, आपकी और मैंगो. हाँ, हमारा सब हमारा ब्रांड है. ये लेमन फ्लेवर है और मैंगो है. मिक्स मिलेगा, तो चिली मिलेगा. कितने फ्लेवर के आपके पास? अच्छा, चार फ्लेवर का है. चार फ्लेवर का. ये हमारा फेमस कुकीज है सर, वन ऑफ द बेस्ट कुकीज है वाला. और ड्राई समोसा मिलेगा,
ये भी नमकीन में अच्छा लगता है खाने में। ये ड्राई समोसा, हाँ ड्राई समोसा मिलेगा, निपट्टू ये सब आइटम मिलेगा, निपट्टू मिलेगा, ये ऑनियन मटरी है, मसाला मटरी है, मसाला मटरी, मसाला मटरी ये भी बढ़िया रहता है। अच्छा ये भी खाने में टेस्टी है। और उसके साथ बटर टोस्ट मिलेगा, ये बटर टोस्ट, हाँ बटर टोस्ट है। और पानी पूरी मिलेगा। तो आपके पास टोटल कितना प्रोडक्ट है? हमारे पास टोटल ऑल आइटम पकड़ के सर 1200 आइटम है। 1200 आइटम, हर एक आइटम बढ़िया है। तो आपने अच्छा, पेड़ा से स्टार्ट किया, पेड़ा से स्टार्ट किया, कस्टमर का जैसा डिमांड बढ़ते गया वैसा हम सब नमकीन निमकीन सब चालू किया। वो चीज़ क्या है? बनाना चिप्स है सर, मसाला वाला। अच्छा, तो आपके पास चिप्स भी है? जी, बनाना चिप्स है, आलू चिप्स मिलेगा, सॉल्टेड चिप्स है, ये सॉल्टेड चिप्स है, और ये वाला मसाला वाला चिप्स है, 100 ग्राम का है दोनों। ये भी अच्छा है सर, सॉफ्ट है, बढ़िया है, क्रिस्पी है। और सेव बड़ंग मिलेगा, ये वाली बड़ंग मिलेगा, और सॉल्टेड बनाना भी है, और ऑल कुकीज है हमारे पास, घी टोस्ट मिलेगा, वो बटर टोस्ट है, ये देसी घी का घी टोस्ट है। तो ये पूरा घी से बनता है? घी से बनता है, वो वाला बटर का है। अच्छा जी। और पैकिंग सोन पापड़ी मिलेगा, पापड़ी मिलेगा, पैक वाला वेरायटी है, 5 वेरायटी आता है, बेसन सोन पापड़ी, मिल्क सोन पापड़ी, चॉकलेट सोन पापड़ी, ऑरेंज और कोकोनट, 5 फ्लेवर है। और लूज में चाहिए तो लूज में भी मिलेगा। वो साबूदाना जवड़ा क्या? हाँ ये उपवास के लिए चलता है, ये उपवास के लिए, ये है साबूदाना, साबूदाना उपवास के लिए वाला चलेगा। और पोटैटो चूड़ा आता है, वो भी चलता है। साबूदाना चूड़ा फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। नहीं बढ़िया है सर, ये भी उपवास के लिए भी चलता है, ऐसा ही नॉर्मली खा सकते हैं, थोड़ा हल्का सा मीठा रहता है। मुझे नया लग रहा है आपका, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, हल्का सा मीठा रहता है। तो मैं गुजरात जाऊंगा तो इसको जरूर मैं लेके जाऊंगा। सर आइए लेके जाइए, खाने के टाइम पे भी इसका स्वाद भी बहुत अच्छा। अच्छा, और चूड़ा मिलेगा, और स्पेशल चूड़ा, ये आपका स्पेशल जी, स्पेशल चूड़ा है, थोड़ा हल्का सा स्पाइसी आएगा, बढ़िया है। और हमारे पास साउथ इंडियन का आइटम मिलेगा सर, ये वाला है काकरा, इसमें अलग अलग फ्लेवर आता है, 6 फ्लेवर आता है, अजवाइन काकरा है, और ये वाला मेथी काकरा करके आता है, चटपटा रहता है, बढ़िया रहता है। और ये वाला जीरा का है, जीरा का टेस्ट आएगा, ये भी बढ़िया है, ये काकरा इसमें और आता फ्लेवर, 6-7 वेराइटी आता है। और हमारा लाल मसाला आता है, ये खाने में अच्छा टेस्ट है, थोड़ा तीखा रहता है, बढ़िया लगता है। और आएगा सर पुड़ी वगैरह, इसमें चावल में डाल के मिक्स करके डाल सकते हैं, ये बेंगलुरु स्पेशल है, बेंगलुरु स्पेशल है सर, पुड़ी बिरयानी राइस में डाल के, राइस वाइट राइस बनाए रहते ना आप, उसमें डाल के मिक्स करके फ्राई करने टेस्टी लगता है। और ये उपमा आता है, उपमा भी बढ़िया है, ये 5 मिनट में घर पर बना सकते हैं आप, 5 मिनट के अंदर। इसके पीछे से ऑलरेडी सब प्रोसीजर लिखा है, इसके प्रोसीजर लिखा है, हाँ आपको जैसा बनाना है कैसा नहीं, ये सब प्रोसीजर पीछे लिखा है। उपमा आएगा, और राइस इडली आएगा, ये भी बढ़िया है। और आएगा कमन ढोकला, कमन ढोकला, हाँ ढोकला, ये अपनी गुजराती आइटम जी, ये भी बढ़िया है, आप घर में 5-10 मिनट में अंदर रेडी हो जाएगा, आपको बिग मिश्रा का टेस्ट मिलेगा आपको। और ये रवा डोसा मिक्स है, रवा और डोसा दोनों मिक्स आता है, ये भी बढ़िया है। और भाजी बोंडा मिलेगा, ये भी बढ़िया है, ये मैसूर का स्पेशल है। और मिलेगा चाट मसाला, घर पे आप चाट मसाला भी है जी, चाट मसाला मिलेगा, और पाव भाजी मसाला है, और दही मसाला है, दही का भी मसाला है, और क्या सो रहे थे, पोटैटो साग है। तो आपके पास बहुत सारी मिठाई की वैरायटी, में जब से आया मैं वही देख रहा हूँ कि चीज़ यहाँ के वहीं पे जा रही है, तो टोटल ये कितनी वैरायटीज़ है? मेरे पास तो सर 75 आइटम्स हैं, अभी मेरे पास ये रनिंग आइटम है, ये छोड़ के बहुत आइटम है और मेरे पास, अभी पार्टी का ऑर्डर भी लेते हैं सब, पार्टी का ऑर्डर लेते हैं, बर्थडे या वो या शादी हो कुछ भी होते ऑर्डर लेते हैं। और सिंगल बॉक्स का चाहिए तो सिंगल बॉक्स का अवेलेबल है, 4 बॉक्स का 100 ग्राम का चाहिए तो वो भी अवेलेबल मिलेगा आपको, 250 हाफ के जी जैसा चाहिए वैसा हम पैक करके देते हैं। तो सिर्फ आप नॉर्थ गोवा में ऑर्डर लेते हैं या फिर साउथ में? साउथ में भी है सर, साउथ में अलग से, तो नॉर्थ गोवा में आपको ऑर्डर चाहिए देते हैं सर, लेते हैं ऑर्डर लेते हैं, पार्टी का, बर्थडे का, हर वेराइटी का
ऑर्डर एक्सेप्ट करते हम लोग। तो यहाँ पर पानी पूरी भी अवेलेबल है, तो भैया को पूछेंगे कि कितनी वैरायटी है आपके पास पानी पूरी की। तो भैया अपने पास कितनी वैरायटी है? मेरे यहाँ दो वैरायटी है सर, एक स्पाइसी पानी मिलेगा, एक स्वीट पानी मिलेगा, एक बटाना का ऑप्शन है, एक आलू का ऑप्शन है, आलू मटर उसका भी ऑप्शन है, एक बटाना रख रहा है इसका भी ऑप्शन है, ये गोवा में थोड़ा ज़्यादा चलता है। अच्छा, तो ये पूरी आप ही बनाते हैं? पूरी मेरे किचन में ऊपर ही बनता है, ऑल आइटम फ्रेश मिलेगा आपको। अच्छा भैया, आप ये क्या बना रहे हैं? दही पूरी बना रहे हैं। दही पूरी, तो यहाँ पे ढेर सारी वैरायटीज हैं, तो आपके पास मिठाई और मसाला और उसके साथ फास्ट फूड भी अवेलेबल है। तो फास्ट फूड में आपके पास क्या क्या है? सेब पूरी है, दही पूरी है, दाल पूरी है, कचौड़ी चाट है, पापड़ी चाट है, पानी पूरी है, समोसा है, कचौड़ी है, वड़ा पाव है, गोभी पनीर समोसा है, ओनियन कचौड़ी है और मूंग दाल का कचौड़ी है। मूंग दाल का कचौड़ी, ये सब है। हाँ, ये क्या बना रहे हैं? राज कचौड़ी बना रहे हैं। तो ये बन रही है राज कचौड़ी। तो ये पूरी वगैरह भी आप ही बनाते हैं यहाँ पे? सब सब ऊपर ही बनता सर। अच्छा, तो आपका किचन जो है ऊपर ही है? ऑल आइटम चाट का ऑल आइटम मेरे यहाँ मिलेगा आपको, ऑल आइटम फ्रेश मिलेगा। ये राज कचौड़ी चाट है। इस तरह का सबसे पहले आपने आलू डाला? आलू डाला, उसके बाद चना मोट डाला, चना मोट है, उसके बाद थोड़ा सा पापड़ी डाला, फिर थोड़ा आलू डाला, थोड़ा मसाला डालेंगे, मिक्स मसाला जो खुद, यानी जो भी मसाले हैं सब खुद ही बनाते हैं, खुद रेडी करते हैं, थोड़ा सा चटनी डाला, थोड़ा सा स्वीट चटनी डाला। स्वीट चटनी में आपने बहुत सारा कुछ डाला हुआ है क्या? वो ऑल फ्रूट्स है सर, वेजिटेबल से बना, वो खाना है, उसके बाद अनार रहता है, सेब रहता है, ऑल आइटम स्वीट चटनी में डालते हैं, इससे थोड़ा टेस्ट बढ़ता है। ये दही वड़ा का वड़ा है, दिखाइए थोड़ा। ये दही वड़ा का वड़ा है, ये दही वड़ा का वड़ा है। हाँ, ये वन पीस, उसके बाद थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा ग्रीन चटनी, थोड़ा सा स्वीट चटनी, दही। दही ये मीठा रहता है या सॉल्ट? मीठा दही रहता है, ये भी दही खुद से बनाना पड़ता है, खुद से। दही भी आपका खुद का ही है? खुद से जमाते हैं दही, तो मार्केट का कुछ भी आइटम स्टार्ट में यूज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मसाला, जो भी इंग्रेडिएंट है, ये खुद यहाँ पे इनका किचन है ऊपर, तो सब कुछ वहाँ ऊपर बनता है, सब कुछ फ्रेश आइटम। ऑल आइटम, ये मेरा जो टेस्ट है ना, बीकानेर वाला हल्दी, हल्दीराम बीकानेर और विग मिश्रा का, ये टेस्ट सेम टेस्ट मिलेगा आपको, बम्बई में मिलता है, दिल्ली में मिलता है। ये मेरा मेनू, जितना मेनू है सारा मेनू में आप ऑल आइटम अच्छा मिलेगा आपको, आप एक बार विजिट करके देखो, विग मिश्रा पेड़ा पड़वड़ी। तो अभी आप नेक्स्ट आइटम कुछ ऑर्डर आया है, तो ये क्या बनाने जा रहे हैं? दही वड़ा। अच्छा, ये दही वड़ा है? यस। तो ये वड़े में क्या क्या डाला है? ये दही वड़ा, ये दाल का वड़ा बनता है, ये पानी में भी पानी में रहता है वो, जो भी पानी में, इसको निचोड़ के मसाला डाला,
ग्रीन चटनी डाला, स्वीट चटनी डाला, उसके बाद दही डाला, समोसा जल्दी करा गई। दही वड़ा में दो पीस होता है, दो पीस आता है वन प्लेट में, दो पीस आता है सर। दही तो पूरा आप दिल खोल के डाल रहे हैं। दही दही का आइटम है ना सर, तो उसमें डालना पड़ता है ना, और मेरा दही आपको कहीं मार्केट में मिलेगा नहीं। आप खुद जो बना रहे हो मार्केट में आप बेचोगे तभी तो मिलेगा। तो शेर इसमें यूज नहीं होता सर, ये प्लेन बूंदी है सर, मिश्रा का ये बूंदी है। थोड़ा सा धनिया हुआ सर, रेडी बन गया दही वड़ा। दही वड़ा तो अभी क्या तो इसका भी मसाला जो बनता है ना वो सारा आइटम मिक्स करके ही बनाते हैं। मार्केट में छोला मसाला मिलता है ना वो मसाला यूज नहीं करते। मेरे यहाँ एक बार जो आता है ना कस्टमर, नेक्स्ट टाइम आता ही है। ये आपने ऑर्डर किया था आई थिंक समोसा समोसा चाट। तो कैसा लगा आपको? टेस्टी है बिल्कुल। इससे पहले आपने एक दही बड़ा भी खाया था तो उसका टेस्ट आपको कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा था। यानी इससे पहले भी आपने कहीं पे दही बड़ा खाया है तो उसका और इसका टेस्ट डिफरेंट है? इसका अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये क्या चीज़ है? ये पाव भाजी है सर। पाव भाजी है उसके साथ में दो पाव भाजी। के पास कितना पाव आता है? दो पीस पाव आता है, ओनियन आएगा, नींबू आएगा, अमूल का बटर क्रीम तो अभी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो मैं पानी पूरी से स्टार्ट कर रहा हूँ हर बार की तरह। तो एकदम पूरी मस्त है, तो ये पिघले उससे पहले मेरी पेट में चले जाए। यहाँ पहले आपका नाम बताइए। पानी पूरी तो खा लूँ। मेरा नाम संतोष है, मैं इधर बरौनी का रहता हूँ। जब भी कुछ खाने का मन लगता है तो बिग बिश आता हूँ, स्पेशल उनका पानी पूरी से स्टार्ट कर दो। बाद और कुछ लगता है तो शिवपुरी चाट वगैरह उनका टेस्ट करता हूँ, मतलब बेस्ट पानी पूरी इधर मिलती है। मैं भी जहाँ पे जाता हूँ तो पानी पूरी से पहले स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद बाकी अपने जो है वो सब खा लेगा। टूट पड़ो मेन इसके क्या है, प्लस पॉइंट इनका क्वालिटी बहुत सही रहता है, ज़्यादा ऑयल नहीं रहता कोई चीज़ में, इवन चाट में भी। जब भी कुछ चाट खाने का मन करता है तो यू कैन हैव अ नंबर वन क्वालिटी ऑफ चाट। सो बिग मिश्रा प्रेफर करना चाहिए तो मैं इधर आके खाता रहता हूँ। थैंक यू। सॉरी। तो अभी क्या बनाने जा रहे हैं आप? वड़ा पाव बना रहे हैं। ये हमारा अपना मसाला रहता है, गार्लिक लहसुन चिल्ली पाउडर और नमक और ढेर सारा मसाला रहता है। अच्छा, तो आप गरम करके दे रहे हो वड़ा पाव? हाँ, गरम करके ही अभी, क्योंकि मैंने गोवा में बहुत कम जगह पे ना वड़ा पाव एजी नॉर्मली देते हैं, गरम नहीं रहता। पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पूरा एकदम पाव को गरम करके मसाला डाल के भरपूर एकदम यम्मी दिख रहा है तो देखने में। गरम करके दिए तो खाने में भी अच्छा लगता है कस्टमर को, ऐसा नहीं। तो आपके पास वड़ा पाव की कितनी वेराइटी है? 90% है सर। नहीं, मेरा मतलब है कि वड़ा पाव की आपके पास कितनी वैरायटी है? वैरायटी मतलब एक चीज़ वड़ा पाव है, चीज़ वड़ा पाव, और एक मसाला वड़ा पाव है, मसाला उसमें स्पाइसी चटनी, स्वीट चटनी, ओनियन, टमाटो, सेव और वड़ा डाल के देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बनाया। तो अभी आप क्या बनाने जा रहे हैं? पूरी बना रहे हैं, उसमें गरम ढकड़ा डालो और छह पूरी आएगा, टमाटो, कांदा, मीठा नहीं डालना ठीक है।
ये मिक्स चटनी आपको टेस्ट करके बताना पड़ेगा बिल्कुल ही नहीं चाहिए मीठा ये अभी वड़ा पाव दे रहे हैं पूरा तीखा ले लीजिए मैडम से पूरी ये वाला कर बेटा लोग आगे तो अभी पानी पूरी के बाद यहाँ का जो मसूर पेड़ा है तो इन्होंने स्टार्टिंग है ना यहाँ से की थी तो ये 1933 से ये पेड़ा अभी तक शॉप में मशहूर है यानी इसके वजह से तो ये इतना सारा स्टार्ट हुआ है। तो अभी इसका पेड़ा अपने पास आ गया है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं बिग मिश्रा का पेड़ा कैसा है। एक यूनिक टेस्ट आ रहा है। मैंने गुजरात में बहुत सारी मिठाइयाँ खाई है, मैंने बंगाली मिठाई भी खाई है, यूपी में भी खाई है, मुंबई में भी खाई है, हर जगह खाई है, तमिलनाडु में भी खाई है, पर इसका टेस्ट कुछ यूनिक है। अब बिग मिश्रा पेड़ा आ रहे हैं तो इनका ये जो फेमस पेड़ा है तो ये तो ट्राई करने का तो बनता है बॉस, क्योंकि ये नहीं खाया तो इधर कुछ नहीं खाया। अमेजिंग। तो यहाँ पे ये लास्ट समोसा मैंने लास्ट बार ये पंजिम में खाया था तो भैया मैं वो भूल गया था, जल्दी जल्दी में मैंने ऑर्डर कर दिया था, पर अंदर मैंने पूछा नहीं था ये कौन सा समोसा है। ये गोभी पनीर समोसा है, इसमें पनीर भी है, गोभी भी है, काजू है, किशमिश है, सारा आइटम का ये समोसा है। गोभी पनीर समोसा ये स्पेशल समोसा है मेरे यहाँ का। मेरे यहाँ का 100 समोसा पर डे का सेल है, ये मेरे हिसाब से 100 समोसा ये पर डे निकलता है। पंजाबी समोसा भी जाता है और ये स्पेशल समोसा है गोभी पनीर समोसा। ये आ गया है समोसा, तो भैया ने इसके अंदर डाला है ढेर सारा मसाला, पहले अंदर से देखते हैं ये कैसा है। इसका लेयर जो है ना एकदम यूनिक डिज़ाइन से बनाया है। रेसा वाला समोसा आपको सिर्फ बिग मिश्रा पेड़ा में मिलेगा, क्योंकि मैंने गोहा में और कहीं तो देखा नहीं है। भैया ने जैसे बोला था इसमें पनीर है, गोभी है, काजू किशमिश सब कुछ डाला हुआ है। अभी फटाफट इसको टेस्ट किया जाता है। एक अलग फ्लेवर है भाई इसका। अब मसाला देखते हैं, ऐसा समोसा आपको पूरे गोवा में कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। तो ये क्या चीज़ है? ये आलू टिक्की है सर, अभी ये देसी घी में फ्राई करना है, फिर क्रश करके उसमें स्पाइसी चटनी, स्वीट चटनी, दही, डेकोरेशन आता है जैसे कि उसमें गाजर भी और धनिया और अनार आता है। ठीक है, तो ये अपना आलू टिक्की चाट है। आलू टिक्की चाट और फ्राई करना है तो ये अभी हाफ फ्राई है। हाफ फ्राई तो अभी ये एकदम मस्त फ्राई हो रहा है देसी घी में आलू टिक्की चाट। तो अपना आलू टिक्की जो है फ्राई होके आ गया है, तो अभी आगे की प्रिपरेशन भैया स्टार्ट कर रहे हैं। भैया इसमें स्टफिंग क्या हुआ है? स्टफिंग है पनीर रहता है, मूंग दाल रहता है, उसमें चना दाल रहता है, इसका स्टफिंग है आलू टिक्की। ये घी में फ्राई हुआ है, तो एक चटनी है, रेडी हुआ सर ये आलू टिक्की चाट। ये आलू टिक्की चाट हो गया रेडी। तो ये है आलू टिक्की चाट, एकदम प्योर देसी घी में बना हुआ।
तो मैंने ये पंजिम में ट्राई किया था, यहाँ पे कैसा बना है देख लेते हैं, क्योंकि उसका भी उधर टेस्ट मैंने किया था, एकदम आला ब्रांड था। इनका दही एकदम एकदम क्रीमी टेस्ट का दही है। एकदम क्रंची टेस्ट आ रहा है। समोसा और यारों की इच्छा। तो आपको कैसा लगा समोसा? समोसा मस्त है। तो आपने इससे पहले समोसा बाहर खाया होगा? हाँ, 10 रुपये। 10 रुपये वाला। और उसमें और इसमें डिफरेंट क्या है? टेस्ट अलग है। इसका टेस्ट अलग है। और चटनी कैसी लगी आपको? ठीक है, ठीक है। और आपको ये आपने क्या ऑर्डर किया था? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चाट। तो कैसा लगा आपको आलू टिक्की चाट? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो कैसा आपको टेस्ट आ रहा? टेस्ट तो ठीक है, ठीक है। फेवरेट है मेरा ये प्लेस। अच्छा, आपका फेवरेट है। हाँ। तो आप यहाँ पे रेगुलर आते हैं? डेली आते हैं ऑलमोस्ट, जब यहाँ पे रहते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे बिग मिश्रा की जितने भी शॉप है गोवा में, तो मैंने पंजाब में शॉप में जब गया था तो मैंने वहाँ पे पानी की बोतल खरीदी थी, और यहाँ पे इनके पास मिनरल वाटर का पूरा मशीन है। यहाँ अगर आप पानी की बोतल खरीदना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे मिनरल वाटर है बिस्लरी का, आप आराम से पानी यहाँ पे पी सकते हैं। ठंडा पानी और गर्म पानी भी है, दोनों अवेलेबल है। तो यहाँ के जो स्टाफ है उनका भी थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। तो भैया आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार से कहाँ से? मधुबनी जिला। अच्छा, मधुबनी जिला। आपका नाम? जी, मेरा नाम भाई साहब। अच्छा, तो आपके घर वाले को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहेंगे। देखिए इस तरफ कैमरा में सामने आके बोलिए, क्या देना चाहेंगे मैसेज आपके घर वाले को कि आप गोवा में कैसे हैं? और वही कहेंगे कि हम अच्छा है गोवा में। हाँ, गोवा आकर हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ। पहली बार आए गोवा शहर। हाँ। अच्छा लगा। हाँ।